हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की छाप देश के साथ विदेश में भी है। ये इंडस्ट्री के गायकों के ही देन है कि कई देशों में हिंदी नहीं आने के बावजूद लोग हिंदी गाने सुनना पसंद करते हैं। आज हम एक ऐसे ही सितारे की बात करेंगे जिन्होंने विदेश तक में हिंदी गानों को पहुंचाया और उन्हें काम देने के लिए राज कपूर ने अपना हाथ तक जला लिया था। हम बात कर रहे हैं महेंद्र कपूर की। महेंद्र कपूर के बेटे रूहान कपूर ने बताया था कि राज कपूर ने उनके पिता से अपना वादा याद रखने के लिए सिगरेट से अपना हाथ जला लिया था। किस्सा भारत से बाहर ताशकंद में शुरू हुआ था। यहां राज कपूर ने महेंद्र कपूर से कहा था कि वह जब परफॉर्म करेंगे तो उन्हें हारमोनियम बजाना होगा। राज साहब के कहने के बाद महेंद्र कपूर ने हारमोनियम प्ले किया और राज साहब हिट हो गए। राज कपूर यहाँ काफी लोकप्रिय थे और उनकी फैन फॉलोइंग भी अच्छी खासी थी। यहाँ किसी ने उनसे गाना नीले गगन के तले को रूसी में ट्रांसलेट करने के लिए कहा। वहाँ मौजूद लोग जोश से भरे हुए थे और उन्होंने महेंद्र कपूर से इस गाने को रूसी में गाने के लिए कहा। महेंद्र कपूर मंच पर आए और उन्होंने इसे रूसी में गाया और शो हिट हो गया। दरअसल राज कपूर भी देखना चाहते थे कि दोनों में से कौन यहाँ ज्यादा लोकप्रिय है। भीड़ का जोश देखकर राज कपूर ने महेंद्र कपूर से कहा, सिर्फ एक कपूर ही दूसरे कपूर को मात दे सकता है। राज साहब बेहद खुश थे। ताशकंद से लौटते हुए उन्होंने महेंद्र कपूर से कहा, महेंद्र मैं तुम्हें अपने ऊपर पिक्चराइज होने वाले गाने नहीं दे सकता क्योंकि वो मैं पहले ही मुकेश को दे चुका हूँ। मेरी फिल्म में दूसरे हीरो के लिए तुम गाने गा सकते हो और ये सिर्फ तुम ही गाओगे। इस बीच महेंद्र कपूर ने राज साहब से कहा, पाजी आप बड़े आदमी हो, एक बार आप भारत पहुँचोगे आपने जो मुझे कहा है वो भूल जाओगे। राज साहब ने पलट कर जवाब दिया, महेंद्र तुम्हें ऐसा लगता है? इसके बाद उन्होंने सिगरेट उठाई और अपने हाथ को जला लिया और कहा, ये निशान मुझे याद दिला देगा कि मुझे तुम्हें काम देना है। वापस भारत लौटने के बाद राज साहब ने महेंद्र कपूर को संगम फिल्म का गाना हर दिल जो प्यार करेगा वो गाना गाएगा दिया।